myself a missionary here to explain to the chapter prejudice, discrimination and inequality, class 6 chapter 2. What is prejudice? Biased, preconceived or unfavorable opinion formed about sometimes or someone about without any examination. बिना सोचे समझे बिना कुछ प्रूफ हुए किसी के बारे में कोई धारणा बना लेना प्रीजुडिस कहलाता है. दिस क्रिएट दिस हार्मनी इन सोसाइटी और ये समाज में बहुत भयानक रूप ले लेता है. दिस हार्मनी बहुत नुकसान पहुंचाता है, इज्जत पर धब्बा लगाने के समान होता है एंड हैम्पर्स और वो गुस्से को बढ़ाता है द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री और हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकता है. ये हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकता है. ये बहुत ही भयंकर बहुत ही खतरनाक चीज है जिसकी वजह से हमारा देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता. जहाँ कि हम बिना सोचे समझे किसी के बारे में किसी समाज के बारे में किसी चीज के बारे में एक धारणा बना लेते हैं. कॉजेज ऑफ प्रीजुडिस. अब इसके कॉज क्या है, कारण क्या है? सबसे पहला है बेसिक कॉजेस आर इग्नोरेंस, लैक ऑफ सेंसिटिविटी एंड सोशल बायस. समाज के द्वारा बनाई गई धारणा उसको बिल्कुल मानते जाना बिना सोचे समझे और इग्नोरेंस लैक ऑफ सेंसिटिविटी बिना सोचे समझे बेअक्ल से काम करना, दिस इज द कॉज ऑफ प्रेजुडिस. इसका इफेक्ट बहुत ही बुरा पड़ता है हमारे समाज में हमारे देश में. और वो सब क्या है? सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट, आपस में मतभेद, लड़ाई झगड़ा, दो संस्थाओं के बीच में लड़ाई झगड़ा मतभेद उत्पन्न करते हैं. उसके बाद क्रिएट मिसट्रस्ट, किसी के ऊपर भरोसा खत्म कर देता है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते. उसके सस्पिशन, किसी के ऊपर हमें शक होना शुरू हो जाता है एंड बिटरनेस, एक कड़वाहट आ जाती है क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही धारणा बनी होती है कि ये ऐसा ही है. हम उसको बारे में कुछ सोचते समझते नहीं है, जो जिसने जैसे कहते हैं हम उसे विश्वास कर लेते हैं. फिर है रेशियल एरोगेंस. रेशियल, व्हाट इज रेशियल? रेशियल मतलब रंगभेद, मतभेद, एरोगेंस उसके बारे में आगे होता है. फिर डिसयूनिटी, समाज में डिसयूनिटी मिलाती है, अनेकता की भावना आती है, हम किसी पे भरोसा नहीं करते और आपस में बिखर जाते हैं. स्टेप्स टू रिड्यूस. अब ये जो प्रेजुडिस है इसको हमें कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए? सबसे पहले फ्रेम न्यू लॉज, हमने एक नया कानून बनाया और जिसमें ये बताया कि सब समान है, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी किसी के साथ मतभेद नहीं रखेगा, भेदभाव नहीं करेगा. सेकेंड इज एजुकेशन, स्प्रेड एजुकेशन. पढ़ाई लिखाई के द्वारा हमने लोगों को समझाया कि बनी बनाई धारणाओं पर भरोसा मत करें, खुद देखो, परखो और फिर समझो. अगर बिना सोचे समझे अंधविश्वास अगर हम करते हैं तो समाज में हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता. टेक स्पेशल स्टेप टू अपलिफ्ट और बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें कोई कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती, उसे हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ाना है. उसके लिए कोई खास स्टेप हमें लेना ही पड़ेगा जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े और देश की ग्रोथ हो. उसके बाद एक नया टॉपिक आता है स्टूडेंट. व्हाट इज स्टूडेंट? मींस जो पूर्वजों के समय से, पुराने समय से जो चली आ रही परंपरा. इसमें क्या होता है, इसका पहला पॉइंट है, पहले तो हम ये समझे स्टीरियोटाइप्स कहते किसे हैं. वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्रेजुडिस इज द क्रिएटिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स व्हेन वी फिट ऑल पर्संस ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इनटू ए फिक्स्ड ओवर सिंपलीफाइड इमेज वी इरेट स्टीरियोटाइप. जैसे समाज में कहा जाता है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग सारे काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. कहा जाता है गर्ल्स आर नॉट गुड और एट मैथमेटिक्स और फिक्सिंग थिंग्स और बॉयज कांट क्राई और बॉयज कांट डू दिस वन.
ये धारणा गलत है कि लड़के नहीं रोते, लड़कियां ही होती। इस तरह की जो धारणाएं हैं ये बहुत गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, भेदभाव कैसे, भेदभाव और इनइक्वालिटी आपस में मतभेद करना। डिस्क्रिमिनेशन इज अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस विदाउट रिगार्ड्स ऑफ इंडिविजुअल मैन। किसी एक को देखकर उसके बारे में गलत धारणा बनाना, उससे मतभेद करना गलत है। Inequality is a condition of being equal which arises from equal access of resources and opportunities. और इसकी वजह से उन्हें कम समय मिलता है, उनको opportunities नहीं मिलती हैं उसे आगे आने की। Second is caste system and discrimination. जातिवाद के द्वारा भेदभाव, ये धारणा हमारे समय से बनी आती है। कैसे कि कोई नीचे जाति का है उसको नहीं छूना, उसे मंदिर में जाने की परमिशन नहीं है, कोई नीचे जाति का उसके हाथ का छुआ खाना नहीं खाना है। ये सब जो धारणाएं हैं ये कास्ट सिस्टम में आती है जिसको कि हमें खत्म करना ही पड़ेगा। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सम रिफॉर्मर्स लाइक राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, प्रेमचंद, इन सब ने इसके लिए बहुत काम किया और लास्ट में वो सफल भी हुए काफी हद तक। हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारे देश में काफी काम नहीं है, लेकिन बहुत हद तक कम है। नेक्स्ट इज रेशियल डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज रेशियल डाइवर्सिटी, व्हाट इज रेशियल डाइवर्सिटी? रेशियल डाइवर्सिटी इज द थिंग, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज अफ्रीका। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने बहुत काम किया इसके ऊपर। वहाँ पर रंग भेद, रेशियल डाइवर्सिटी मीन्स रंग भेद नीति, वहाँ पर रंग के आधार पर वोट देने का, गवर्नमेंट जॉब पाने का, ये सब बहुत था। काले लोगों को परमिशन नहीं थी इन सब चीज़ों में। अफ्रीका इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सोशल डाइवर्सिटी। South Africans who were not white were not allowed to participate in the formation of government. This ended due to the efforts done by African National Congress and its leader Nelson Mandela. Nelson Mandela जो थे वो African Congress के leader, उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया, उसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अंत में इन्होंने विजय प्राप्त की। Now last is economic inequality and discrimination. What is economic inequality? Economic, जिसके पास पैसा होता है उसको लोग समाज में बहुत अच्छी नजर से देखते हैं। तो economic means अर्थ, आर्थिक, आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। जो गरीब हैं उन्हें भी हमें समान नजर से देखनी चाहिए, उन्हें भी आदर सम्मान हमें देना चाहिए, और नहीं तो ये बहुत मुश्किल पैदा कर देता है हमारे समाज में। गुडविल में हमेशा हमें रहना चाहिए पुअर पीपल्स के और हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। समानता के लिए क्या क्या काम किए और कैसे कैसे हुए। व्हेनेवर इंडिया बिगन, व्हेन आवर इंडिया, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, व्हेन आवर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, व्हेन आवर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट आवर लीडर सेट आउट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। तब हमारे जो लीडर्स थे, भारत के जो लीडर्स थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए काम किया, उन्होंने सोचा कि हमारे देश की भलाई के लिए हमें एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है। टू रिमूव इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड, हर तरह के भेदभाव मतभेद इन सबको हटाने के लिए हमें एक संविधान बनाने की जरूरत है जिसमें सबकी भलाई को ध्यान में रखकर कुछ नियम कानून बनाए जाए। इसके लिए बी आर अम्बेडकर चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाने के लिए बी आर भीमराव अम्बेडकर जी जो चेयरपर्सन थे
बचाव के लिए, इन सबको संभाल के रखने के लिए, किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, सबको समान अधिकार मिले, समान अपॉर्चुनिटीज मिले, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना बहुत आवश्यक था, जो कि भारत के हर नागरिक, हर सिटीजन, हर नागरिक के लिए फायदेमंद हो। उसके लिए कुछ मौलिक अधिकारों को इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा है। सबसे पहला राइट्स टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार मिले, सब एक समान है, कहीं पर भी किसी तरह का किसी भी चीज को लेकर मतभेद ना हो, सबको हर जगह, चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई हो, हर जगह उन्हें समान अधिकार मिले। दूसरा है राइट टू फील, स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी तरह से स्वतंत्र होकर वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है, इसका अधिकार भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने हमें दिया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार भी हमें इस संविधान ने, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है। कोई हमें जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम हमारा ही धर्म अपनाओ या अपने ही धर्म को मानो, अगर आप दूसरा धर्म अपनाना चाहते हैं उसके कुछ नियम कानून है जिसके द्वारा आप दूसरे धर्म में परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन कोई उसके लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब कोई आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है किसी जाति की वजह से, धर्म की वजह से, या अमीरी गरीबी की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह से वो नहीं कर सकता, उसके लिए संविधान में कुछ कानून है जिसके द्वारा उन्हें सजा का भी भुगतान करना पड़ सकता है। एंड नाउ लास्ट पॉइंट इज राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, किसी भी संस्कृति को आप अपना सकते हैं और कहीं पर भी किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप यही शिक्षा प्राप्त करो और यही शिक्षा प्राप्त करो। थैंक यू।